वंदे मातरम स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कल हमने फोर्थ तक क्वेश्चन किए थे 13.4 की। आज हम फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हेमिस्फेरिकल बाउल मेड ऑफ ब्रास हैज़ इनर डायमीटर कितना है इसका, 10.5 सेंटीमीटर। तो आपको कॉस्ट बतानी है टिन प्लेटिंग इट ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब हमने इसके अंदर क्या करना है, टिन प्लेटिंग करनी है, उसकी कॉस्ट हमें फाइंड करनी है। तो हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले इसका इनर कर्व सर्फेस एरिया रेडियस गिवन है, रेडियस कितनी है 10.5, मतलब कि डायमीटर गिवन है, सॉरी। तो रेडियस कितना होती है 10.5 बाई 2 हाफ ऑफ डायमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2πr², हमने क्या करना है, इस वैल्यू को फॉर्मूले में सब्सटीट्यूट करना है, उसके बाद आपको क्या गेट होगा 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसने बोला है जो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 16 है, तो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी हो जाएगी, ये सॉल्व करोगे तो आपको 27.72 गेट हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपने रेडियस फाइंड करनी है एक स्फीयर की, उसका सरफेस एरिया गिवन है। अब सरफेस एरिया गिवन है, स्फीयर का सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², तो रेडियस आपको फाइंड करनी है। आप देखिए पाई की वैल्यू क्या सब्सटीट्यूट करोगे, 22/7r² एज इट इज़। तो जब आप r² को यहीं पे आपको रखना है और इसको आपको इक्वल टू से इधर मूव करोगे तो 4 डिवाइड में आ जाएगा और 22/7 रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपको r² किसके इक्वल गेट होगा, 49/4। तो स्क्वायर इक्वल टू से इधर आके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो आपको क्या वैल्यू गेट होगी, रेडियस क्या गेट होगी आपको, 7/2। यही हमें इसमें फाइंड करना था। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेवन्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, जो डायमीटर है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। अब जो मून का डायमीटर है वो 1/4 है किसके डायमीटर का, अर्थ के डायमीटर का। अब मून और अर्थ दोनों स्फेरिकल शेप में होते हैं, तो लेट कर लीजिए अर्थ का डायमीटर डी है, तो अर्थ की रेडियस कितनी हो जाएगी, d/2। तो अब अर्थ का सरफेस एरिया यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, तो क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, 4πr². तो आपको इसको सॉल्व नहीं करना है, बस ऐसे ही आपको जो रेडियस है उसकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है d/2 का स्क्वायर, क्योंकि हमें इसमें रेशो फाइंड करना है। अब डायमीटर ऑफ मून क्या है, अर्थ का 1/4, तो डायमीटर ऑफ मून कितना हो जाएगा, d/4, और रेडियस ऑफ मून कितनी हो जाएगी, हाफ होती है, तो d/8। नाउ सरफेस एरिया ऑफ मून कितना हो जाएगा, 4πr², तो इसमें भी आपको रेडियस की वैल्यू करनी है d/8 का स्क्वायर। तो रेशियो क्या हो जाएगी, सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे आपको 1:16 गेट होगी।